ట్రిపులైటిస్ కాలేజ్ యాట్ లో ర్యాంక్ ఇన్ జేఈ మెన్స్. ఫ్రెండ్స్, స్టూడెంట్స్కి బహుశంకి కమెంట్ ఆ రే కి సర్ ఎసీ ట్రిపులైటిస్ కి వీడియో బనాయి జయ జిస్మే లో ర్యాంక్ కి స్టూడెంట్స్ భీ అడ్మిషన్ జో హై వో లే సకతే హై. తో ఆల్రెడీ ఎసీ వీడియో మేనే ఎన్ఐటీస్ కో లేకర్ బనా దీ థీ ఏక్, జిస్మే మేనే టాప్ 31 NITs को उनके कैटेगरी वाइज रैंक के हिसाब से, उनकी क्लोजिंग रैंक के हिसाब से बताया था, जिसमें अगर आपके लो रैंक है तो भी आप आसानी से एडमिशन उनका मिल जाएगा. तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर उसका लिंक आ रहा होगा, वहाँ पर जाकर वो वीडियो आप देख लें. इस वीडियो में हम बात करेंगे जेई मेन्स 2019 के लिए उन 28 ट्रिपलाइटीज की, जिनमें अगर आपकी उनकी विद क्लोजिंग रैंक की, जिनमें अगर आपके लो रैंक भी है तो भी आपको आसानी से उसमें एडमिशन मिल जाएगा. तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पे. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले आपकी है ट्रिपलाइटी मणिपुर, जिसमें आपकी जनरल की क्लोजिंग रैंक रहती है 1.20 लाख के समथिंग, ओबीसी की रहती है 1.53 लाख के समथिंग, और एससी एसटी की रहती है 3.3 लाख के समथिंग. तो अगर आपकी लो रैंक है तो इससे ज़्यादा तो लो रैंक आपकी हो नहीं सकती. तो इतनी अगर आपकी रैंक है तो आपको इस ट्रिपलाइटी में आसानी से एडमिशन जो है वो मिल जाएगा. आगे बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है आपकी ट्रिपलाइटी भागलपुर, जो कि कहाँ है, बिहार में, जिसकी जर्नल की आपकी जो क्लोजिंग रैंक रहती है वो रहती है 1.34 लाख, ओबीसी की 1.53 लाख, और एससी एसटी की 3.1 लाख. नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपकी है ट्रिपलाइटी अगरतला त्रिपुरा में जो लोकेटेड है, उसमें जनरल की आपकी रहती है 86,000, ओबीसी की आपकी रहती है 1.15 लाख, और एससी एसटी की रहती है आपकी 2.67 लाख. अगर इसके बीच में आपकी क्लोजिंग रैंक आ रही है तो आप इस ट्रिपलाइटीज में आसानी से आपको प्रवेश जो है वो मिल जाएगा. फ्रेंड्स, जोसा की काउंसलिंग को लेकर भी मैंने एक वीडियो बना दी है, तो वो भी अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर उसका लिंक आ रहा होगा. तो जोसा की काउंसलिंग से रिलेटेड टोटल उसमें बताया गया है, तो वो आप देख लें. नेक्स्ट आपका ट्रिपलाइटी भोपाल, जो कि कहाँ लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में, जिसकी आपकी जनरल की रैंक रहती है 64,000, ओबीसी की 99,000, और एससी एसटी की आपकी 2.75 लाख. अगर इतनी आपकी रैंक है तो आपको आसानी से यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा. आगे बात करें तो आगे है ट्रिपलाइटी रांची, जो कि झारखंड में लोकेटेड है, इसकी प्लेसमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसकी जनरल की आपकी 60,000, ओबीसी की 99,000, और एससी एसटी की 2.6 लाख के समथिंग जो है रैंक रहती है. आगे बात करें 23 नंबर ट्रिपलाइटी के, तो वो है ट्रिपलाइटी गुवाहाटी, जो कि आसाम में स्थित है, जिसमें आपकी जर्नल की रहती है 43,000, 43,000, ओबीसी की 72,000, और एससी एसटी की 2.48 लाख. अगर इसके बीच है तो आपको आसानी से यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा. नेक्स्ट है आपका ट्रिपलाइटी यूएनए हिमाचल, जिसकी प्लेसमेंट एरिया बहुत ही शानदार है, और उसमें जनरल में आपको चाहिए 55,000, ओबीसी में 96,000, और एससी एसटी में 2.4 लाख के समथिंग आपकी अगर रैंक है, क्लोजिंग रैंक, तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा. आगे आपका ट्रिपलाइटी कल्याणी, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है आपका, जिसमें जनरल की रैंक क्लोजिंग रैंक रहती है 36,000, ओबीसी की 14,000, और एससी एसटी की 8,000. आगे आपके ट्रिपलाइटी सोनीपत, जो कि हरियाणा में लोकेटेड है, जिसमें आपकी जनरल की क्लोजिंग रैंक रहती है 31,000, ओबीसी की 60,000, और एससी एसटी की 2.20 लाख. फ्रेंड्स, ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, उसको लेकर भी स्टूडेंट्स के बहुत से डाउट आ रहे थे कि सर इसको कैसे बनाया जाए, हमारे यहाँ पे नहीं बन रहा, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, क्या इसका समाधान हो सकता है. तो उसको लेकर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर उसका भी लिंक आ रहा होगा, तो वो भी आप ज़रूर देख लें. आगे है आपका ट्रिपलाइटी पुणे, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, जनरल में इसकी रहती है 51,000, ओबीसी की 77,000, और एससी एसटी की इसकी 2 लाख के समथिंग रैंक रहती है. नेक्स्ट आपका ट्रिपलाइटी सूरत, जो कि गुजरात में लोकेटेड है, जिसमें आपकी जनरल की क्लोजिंग रैंक रहती है 49,000, ओबीसी की 85,000, और एससी एसटी की 2.72 लाख.
आगे है आपका ट्रिपल आईटी कोतवाम, कोतावम केरला में स्थित है, जो जिसमें आपकी जनरल की 33.5 हज़ार, ओबीसी की 12.6 हज़ार और एससी एसटी की 9 हज़ार के समथिंग रैंक, जो क्लोजिंग रैंक जो है वो रहती है। आगे आपकी ट्रिपल आईटी डीएम करनूल, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, जिसमें आपकी जनरल की 35 हज़ार, ओबीसी की 13 हज़ार और एससी एसटी की 7.4 हज़ार के समथिंग रैंक जो है वो रहती है। नेक्स्ट आपका 15 नंबर ट्रिपल आईटी डीएम कांचीपुरम, जो कि केरला में स्थित, सॉरी तमिलनाडु में स्थित है कांचीपुरम, जिसका प्लेसमेंट एरिया देख सकते हैं बहुत ही शानदार, जितना इसकी प्लेसमेंट को लेकर बोला जाए उतना ही कम है, आप देख सकते हैं इसके इमेजेस भी, जिसमें आपकी जनरल की 31 हज़ार, ओबीसी की 10.4 हज़ार और एससी एसटी की 7.5 हज़ार इसकी रहती है। आगे है ट्रिपल आईटी वडोदरा, जो कि गुजरात में स्थित है, इसमें जनरल की आपकी 50 हज़ार, ओबीसी की 88 हज़ार और एससी एसटी की 2.57 लाख के समथिंग आपकी जो वो है क्लोजिंग रैंक रहती है। आगे है ट्रिपल आईटी नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, जिसमें जनरल की आपकी 64 हज़ार, ओबीसी की 14 हज़ार और एससी एसटी की 9 हज़ार। आगे आपकी है ट्रिपल आईटी धारवाड़, जो कि कर्नाटका में स्थित है, धारवाड़, जनरल की आपकी 37 हज़ार, ओबीसी की 14 हज़ार और एससी एसटी की इसमें 8200 रैंक जो है वो रहती है। नेक्स्ट आपका ट्रिपल आईटी कोटा, जो कि राजस्थान में स्थित है, जिसमें आपकी जनरल की 33.5 हज़ार, ओबीसी की 13 हज़ार और एससी एसटी की 7.4 हज़ार रहती है। कोटा का अब की बार 2019 में जो परफॉर्मेंस है जेई मेंस में बहुत ही शानदार आया, बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। आगे है एनआईटी त्रिची, अब मैंने ट्रिकी लिख दिया, थोड़ा मिस्टेक होगी, त्रिची है ये, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, जिसमें जनरल में आपकी 37 हज़ार, ओबीसी में 50 हज़ार और एससी एसटी में 1.36 लाख के समथिंग इसकी रैंक क्लोजिंग रैंक जो है वो रहती है। नेक्स्ट आपका है ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, जनरल में इसकी रैंक 23 हज़ार, ओबीसी में 8.5 हज़ार और एससी एसटी में 5200 के समथिंग इसकी रैंक जो है वो क्लोजिंग रहती है। नेक्स्ट आपका श्री सिटी, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, जिसमें आपकी जनरल की 26.7 हज़ार, ओबीसी की आपकी 10.6 हज़ार और एससी एसटी की 7.4 हज़ार के समथिंग इसकी क्लोजिंग रैंक जो है वो रहती है। आगे आपकी ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर, जिसमें आपकी कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं है, कास्ट के बेस पे आपका कोई एडमिशन नहीं होता है। अगर आपके जेई मेंस में रैंक अराउंड 63,000 के अंडर है तो आपका इसमें एडमिशन जो है वो हो जाएगा, इसमें कास्ट सिस्टम का जो फॉर्मूला है वो नहीं यूज़ होता। आगे आपका ट्रिपल आईटी लखनऊ, जो कि यूपी में स्थित है, जिसमें आपकी जनरल की 25 हज़ार रैंक रहती है, ओबीसी की 9.6 हज़ार और एससी एसटी की 4.1 हज़ार। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात आपको और बता दूं कि जो जेई एडवांस के लिए रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुके हैं, 9 मई तक आपके रजिस्ट्रेशन होंगे। तो रजिस्ट्रेशन के जो प्रक्रिया है उसको लेकर मैंने आसान भाषा में, हिंदी भाषा में समझाया है इस वीडियो में, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर दिख रहा होगा। तो अगर आपको जेई एडवांस में एडमिशन को लेकर या फिर इसमें अप्लाई को लेकर कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। नेक्स्ट आपका 5 नंबर है ट्रिपल आईटी दिल्ली, जिसमें आपकी जनरल की रहती है 17.8 हज़ार, ओबीसी की 1.7 लाख और एससी एसटी की 2.98 लाख के समथिंग आपकी रैंक जो है वो रह होनी चाहिए, तो आपका इसमें एडमिशन आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ट्रिपल आईटी ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, जनरल में आपकी इसकी रैंक 11 हज़ार के समथिंग, ओबीसी में 4.4 हज़ार और एससी एसटी में अगर आपकी 2.6 हज़ार के समथिंग इसमें रैंक है तो आपका इसमें आसानी से एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 3 नंबर जो है ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसमें जनरल की रैंक आपको क्लोजिंग चाहिए 12 हज़ार, ओबीसी की 9 हज़ार और एससी एसटी की 3.8 हज़ार के समथिंग अगर आपकी रैंक है तो आपका इसमें एडमिशन आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है ट्रिपल आईटी बेंगलोर, जिसमें कास्ट सिस्टम के बेस्ड पे एडमिशन जो है नहीं होते, ओवरऑल आपके अगर अप्रोक्सीमेटली 210 के प्लस अगर आपके मार्क्स है तो आपका इसमें एडमिशन आसानी से हो जाएगा, कास्ट सिस्टम इसमें नहीं है। और लास्ट आपका बचता है वो है ट्रिपल आईटी हैदराबाद, इसमें भी कास्ट सिस्टम कोई भी नहीं है, अगर आपके रैंक 260 से 280 के बीच में अप्रोक्सीमेटली आपके मार्क्स रहते हैं तो आपका इसमें एडमिशन जो है वो आसानी से हो जाएगा, कास्ट सिस्टम इसमें देखने को नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, ये थी
28, 28 ट्रिपल आईटीज, जिसमें अगर आपके मार्क्स, परसेंटाइल्स मार्क्स या फिर परसेंटेज कम भी आ रहे हैं तो भी आपका आसानी से इसमें ट्रिपल आईटीज आपको मिल जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेहतर और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। और आगे वीडियो किस बेस पे, किस मैटर पे बनाया जाए वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।